रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। सिंघम से शुरू हुआ ये यूनिवर्स अजय देवगन के साथ रणवीर सिंह तक आया, उसके बाद अक्षय कुमार भी इसमें ऐड हो गए और अब सिंघम 3 रिलीज होगी इसी साल। उसमें दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ सबको ऐड कर लिया है और अब इनकी एक नई वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसके मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय भी हैं इसमें, यानी कि आधे बॉलीवुड को तो रोहित शेट्टी ने अपने यूनिवर्स में ऐड कर ही लिया है। इस इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हम खेलते नहीं, हम खेल खत्म करते हैं, ये इसका पहला डायलॉग था जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रेलर किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आखिरी तक आते आते इसमें काफी ज्यादा अच्छे शॉट्स थे जिससे पता लग रहा है कि ये सीरीज अच्छी हो सकती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस सीरीज में एसपी बने हुए हैं जिनका नाम है कबीर मलिक और जिस टीम में ये काम करते हैं उस टीम के लीडर हैं विक्रम बख्शी, जिन्हें प्ले किया हुआ है विवेक ओबेरॉय ने, और उनसे भी ऊपर की रैंक्ड ऑफिसर बनी हुई है शिल्पा शेट्टी, जिनका कैरेक्टर का नाम है आईपीएस अंजलि शेट्टी। और इस ट्रेलर में क्लियरली देखा जा सकता है कि शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की ज्यादा बन नहीं रही एक दूसरे के साथ, लेकिन क्योंकि शिल्पा शेट्टी उनसे हायर रैंक्ड पे हैं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की उनकी बातें मानना पड़ती हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि इंडिया की नेशनल कैपिटल दिल्ली पर कुछ टेररिस्ट अटैक करते हैं जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है और उस टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस सीरीज का मेन विलन कौन है यह हमें नहीं दिखाया गया है और उसी चीज को इन्होंने एक मिस्ट्री बना के रखा हुआ है जो कि मे बी एक अच्छा मूव हो सकता है इस सीरीज की हाइप बनाने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अर्जुन कपूर है और अगर ऐसा है तो ये सच में सीरीज के लिए विलन साबित हो सकते हैं। You got it right. शरद केलकर भी एक फिशी रोल में दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेलर में जो कि काफी अच्छे एक्टर हैं और हो सकता है कि ये किसी तरह से विलन साइड में हो। इनकी तो आवाज में ही इतना ज्यादा बेस है कि सामने वाला थरथर कांपने लगता है, मतलब काफी अच्छा विलन कास्टिंग करी हुई है। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड होने वाले हैं और जो 2023 में कैमियो का सीजन चला था ना, शाहरुख की मूवी में सलमान, सलमान की मूवी में शाहरुख, तो हो सकता है कि इस सीरीज में भी हमें किसी का कैमियो देखने को मिले, मे बी अक्षय कुमार, अजय देवगन या फिर रणवीर सिंह। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस कॉप यूनिवर्स के लिए तुम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ये भी बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यहाँ पर आईडी आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और देखते रहिए सुपर नेस्ट।